हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 27 मई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले IRCTC में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन IRCTC में हमें 1.24% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 639.40 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैंडल एक यहाँ पे स्मॉल साइज की जो है यहाँ पे कैंडल बनी है, छोटी सी बॉडी हमें देखने मिली, नीचे की हमें थोड़ी सी बड़ी और ऊपर की साइड में छोटी सी भी हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे RSI की, 33-34 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के स्टॉक जो है यहाँ पे अभी भी जो है नेगेटिव चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है स्टॉक में कॉशियसली काम करना है। स्टॉक में डाउन साइड मूवमेंट जो है हमें ईजिली जो है 590 तक देखने मिल सकती है। इवन यहाँ पे सबसे पहले 600, फिर यहाँ पे 590, इवन यहाँ पे उससे भी नीचे 550 तक भी गिरते हुए देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे IRCTC में आप कॉशियसली काम करें क्योंकि ट्रेंड जो है यहाँ पे अभी भी नेगेटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे लगातार हमें नेगेटिव क्लोजिंग भी जो है देखने मिल रही है। तो यहाँ पे और जो है डाउनसाइड हमें देखने मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है यहाँ पे आपको जो पूरा का पूरा जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे जरूर मार्क करके रख देता हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग जो कर रहा हूँ आप जो है सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो यहाँ पे मेंटेन करने में। यहाँ पे क्लोजिंग 640 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 636.30 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है 644.45 का। यहाँ पे याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 628.20 का, उसके बाद क्या आता है 618.65 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 651.05 का, उसके बाद क्या आता है 657.80 का। यहाँ पे मैंने जो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो जो अपना कल के दिन का यहाँ पे ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में कल के लिए जरूर एक यहाँ पे जो है स्लाइड
नेगेटिव साइड में है, यहाँ पे न्यूट्रल सा नेगेटिव, यहाँ पे मतलब 20 to 25 का जो एक नेगेटिव यहाँ पे जो है डाउन साइड आ सकता है। नो ट्रेडिंग ईयर के बीच में हाई चांस लग रहा है, लेकिन 628 और 20 से लेकर 636 के बीच में भी हमें क्लोजिंग जो है देखने मिल सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे कल के दिन जो स्टॉक में कॉशियसली काम करे, वीक का लास्ट डे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मूवमेंट हमें जो है स्लो देखने मिल सकता है। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है, आपका क्या ओपिनियन है वो हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।